आज हम बात करेंगे ऐसे दो जानवरों के बारे में जिसे देखने पर बहुत ही मासूम नजर आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी रोचक वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिराफ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाला जीव है जो जिराफीड़े पशु परिवार से संबंधित है। यह अपने विशिष्ट शारीरिक संरचना के लिए जाना जाता है। लंबी टांगे और गर्दन वाला जिराफ सबसे ऊंचा थली जीव है। दुनिया भर में जिराफ की 9 प्रजातियां हैं जो अपने आकार, त्वचा, रंग तथा निवास स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। जंगलों में जिराफ का जीवन काल 10 से 15 वर्ष तक होता है। वही चिड़ियाघर या देख रेख में उनका जीवन काल 20 से 25 वर्ष तक होता है। जिराफ शाकाहारी जानवर है। इसका मुख्य आहार बबूल या कीकर के पेड़ की पत्तियां हैं। जिराफ को एक दिन में 75 पाउंड से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि वे अपना अधिकांश समय खाने में बिताते हैं। जिराफ एक बार में 12 गैलन तक पानी पी सकते हैं। जिराफ बहुत खाते हैं लेकिन इसके बाद भी वे हफ्ते तक पानी पिए बिना रह सकते हैं। वे पानी का अधिकांश हिस्सा आहार में ग्रहण करने वाली वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। जेब्रा। अफ्रीका में घोड़े की कुल की कई जातियां हैं जो अपने शरीर में सफ़ेद और काली धारियों से पहचाने जाते हैं। इसकी धारियां अलग अलग प्रकार की होती है और मनुष्य की अंगुलियों के निशान की तरह दो जानवरों की धारियां एक जैसी नहीं होती हैं। यह सामाजिक प्राणी होते हैं और छोटे से लेकर बड़े झुंडों में रहते हैं। अपने करीबी रिश्तेदारों घोड़े और गधे के विपरीत जेब्रा को कभी पालतू नहीं बनाया जा सका। जेब्रा की 3 जातियां जीवित हैं। पहला मैदानी जेब्रा, दूसरा ग्रोवी का जेब्रा और तीसरा पहाड़ी जेब्रा जीवित हैं। मैदानी और पहाड़ी जेब्रा गधे की तरह ज़्यादा दिखते हैं और उससे करीबी रूप से संबंधित भी हैं, जबकि पहले 2 घोड़े रूपी अधिक होते हैं। तीनों एक्वस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं।